Hello and welcome back once again in another session of summaries. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की मोमेंट्स बुक से जो सेकेंड चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो इस चैप्टर की समरी. इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी गिवन बाय रस्किन बॉन्ड. ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा दी हुई एक रोचक कहानी है. द राइटर टेल्स दैट His grandfather was fond of keeping pets. राइटर जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि उनके दादाजी को पालतू जानवर रखने का, पेट्स का मतलब बन गया कि पालतू जानवर रखने का काफी शौक था. Once he bought a little red monkey. ध्यान से arrows देख लीजिएगा, little red monkey, Toto, from a Tonga driver in consideration of 5 rupees only. देखो इस लाइन का क्या मतलब है कि एक बार उन्होंने, मतलब दादाजी ने, एक छोटा सा लाल रंग का बंदर खरीदा जिसका नाम टोटो था. और किससे खरीदा? टोंगा ड्राइवर, टांगा चलाने वाले से, वाले चालक से खरीदा. इन कंसीडरेशन ऑफ, देखो कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कि बदले में क्या दिया. तो बदले में क्या दिया था दादाजी ने? 5 रुपए दिए थे ना, तो 5 रुपीज ओनली देकर दादाजी ने वो बंदर टोंगा ड्राइवर से खरीदा था. इट वॉज अ मिस्चीवियस मंकी. वो किस तरह का मंकी था? वो एक शरारती मंकी था. अर्लियर ही वॉज केप्ट सीक्रेटली इन अ क्लोजेट. देखो आपको पता है कि शुरुआत में क्या कोशिश की गई थी, जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो समझा होगा कि दादी माँ से छुपा कर रखा गया था उसे. तो इसलिए अर्लियर मतलब पहले उसे गुप्त तरीके से सीक्रेटली रखा गया था. कहाँ रखा गया था? इन अ क्लोजेट मतलब एक कोठरी में रखा गया था जिसका दरवाजा लेखक के बेडरूम में खुलता था. बट वेन फ्यू आवर्स लेटर, लेकिन जब कुछ घंटों के बाद ग्रैंडफादर एंड द नरेटर केम इन टू द रूम, जब वो कमरे में आए, दे फाउंड दैट द मंकी हैड मेड हिमसेल्फ फ्री. उन्होंने पाया कि बंदर ने अपने आप को आजाद कर लिया है. एंड द नरेटर्स स्कूल ब्लेजर वॉज टोन इन टू पीसेस, कि जो लेखक थे उनके स्कूल का जो कोट हुआ करता था, यूनिफॉर्म में ब्लेजर होता है ना, तो उस ब्लेजर को क्या कर दिया था उस मंकी ने? फाड़ दिया था टुकड़ों टुकड़ों में, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उसे फाड़ दिया था. लेटर ऑन बाद में ही वॉज शिफ्टेड टू दी सर्वेंट्स क्वार्टर, मतलब जहां पर सर्वेंट्स नौकरों, नौकर रहते थे, तो नौकरों के क्वार्टर में उसे शिफ्ट कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था. वेयर अदर पेट्स वर ऑल्सो प्रेजेंट, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में बताया गया है कि दादाजी को पेट्स का शौक था, तो इसलिए जहां पर बाकी और पेट्स मौजूद थे वहां पर उसे शिफ्ट कर दिया गया. बट लेकिन ही केप्ट डिस्टर्बिंग ऑल दी एनिमल्स देयर, लेकिन वो वहां पर बाकी जो जानवर थे उन्हें क्या करता रहा? उन्हें भी तंग करता रहा. When narrator's grandfather had to go to Saharanpur, जब लेखक के दादाजी को सहारनपुर जाना था, टोटो was also taken along. टोटो को भी वो साथ में लेकर गए, उन्हें टोटो को भी साथ में लेकर जाना पड़ा. And the ticket collector charged 3 rupees extra for him. और जो टिकट चेक कलेक्टर था, चेक करने वाला या टिकट कलेक्ट करने वाला जो कलेक्टर था, उसने टोटो के लिए 3 रुपए एक्स्ट्रा और चार्ज किए. व्हेन ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हिम, तो बाद में क्या हुआ कि जब ग्रैंडमदर ने टोटो को स्वीकार कर लिया, ही वॉज शिफ्टेड इन अ स्टेबल, उसे एक तबेले में शिफ्ट किया गया. व्हेन वेयर देयर वॉज अ डंकी, जहां पर एक कौन था? डंकी था. और वो कौन थी? गधी थी ना, हमने लेसन पढ़ा हुआ है, नेम्ड नाना, और उसका नाम क्या था? नाना. बोथ ऑफ देम नेवर बिकेम फ्रेंड्स. आपको एक इंसिडेंट इनका पता ही होगा, किस तरीके से टोटो ने उस डंकी का ईयर पकड़ा था, कान पकड़ा था, तो इस इंसिडेंट के बेसिस पर हमें ये पता चला था कि वो दोनों कभी भी मित्र नहीं बने. वंस टोटो हैड नियरली बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव, और हमने ये भी कहानी में पढ़ा है कि एक बार तो ऐसा हुआ था कि टोटो ने अपनी शरारत भरी हरकतों की वजह से अपने आप को एक दिन जिंदा उबाल ही लिया था, लगभग. नियरली मतलब लगभग. नेक्स्ट हमें क्या बता रहे हैं?
अनदर एडवेंचरस एक्टिविटी, मतलब एक और डेयरिंग एक्ट जो टोटो ने किया था वो क्या था, टुक प्लेस व्हेन ही फाउंड अ लार्ज डिश ऑफ राइस ऑन द डाइनिंग टेबल ड्यूरिंग लंच, जब लंच के दौरान, दोपहर के लंच के दौरान, खाने के दौरान उसे डाइनिंग टेबल पर एक बहुत बड़ी प्लेट दिखी थी जिसमें राइस से पुलाव था। ही स्टार्टेड ईटिंग द राइस, वह राइस खाने लग गया था। थ्रू प्लेट ऑन ग्रैंड मदर, उसने ग्रैंड मदर की तरफ एक प्लेट भी फेंक के मारी थी। एंड अ ग्लास ऑफ वॉटर ऑन नरेटर्स आंट, और जो नरेटर की, हमारे जो लेखक हैं उनकी जो चाची जी थी उनके मुंह पर भी उसने पानी से भरा हुआ ग्लास दे मारा था। ही रैन आउट पिकिंग द डिश, वो भाग गया था वहां से डिश को यानी कि प्लेट को पकड़कर। एंड सैट ऑन द जैक फ्रूट ट्री, और कटहल के पेड़ पर बैठ गया था जाके। आफ्टर ईटिंग राइस, जब उसने सारे राइस खा लिए, ही थ्रू दी प्लेट ऑन दी ग्राउंड, उसने प्लेट जो थी वो नीचे जमीन पर फेंक दी। एंड ब्रोक इट इन टू पीसेस, और उसे टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया। एट लास्ट, तो अंत में इन सारे इंसिडेंट्स के बाद क्या हुआ, ग्रैंडफादर रियलाइज्ड, मतलब ग्रैंडफादर को एहसास हुआ दैट टोटो कुड नॉट बी केप्ट एनी मोर इन दी हाउस, टोटो को अब और ज्यादा घर में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि उन्हें लॉसेस हो रहे थे और वो इतना अफोर्ड कर नहीं सकते थे, बियर नहीं कर सकते थे। एंड ही सोल्ड हिम बैक टू दी टोंगा ड्राइवर फॉर रुपीज 3 ओनली, और उन्होंने क्या किया, जिस टोंगा ड्राइवर से टोटो को खरीदा गया था उसी टोंगा ड्राइवर को 3 रुपए में वापस बेच दिया गया दादाजी के द्वारा। तो देखो, इस कहानी से बेसिकली हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हर जानवर को पेट के तौर पर, पेट पालतू जानवर के तौर पर नहीं पाला जा सकता है। और वैसे भी अगर हम किसी जानवर को पेट पर्पस से रखते हैं, पालतू जानवर के तौर पर अगर रखते हैं, तो देखो उसको संभाल कर रखने के लिए, खाना खिलाने के लिए, या सभी तरीके से रूल्स और रेगुलेशन सिखाने के लिए हम सिखाते हैं ना पेट्स को कि किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से नहीं, लाइक हम डॉग को सिखाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी का ये काम है, पालतू जानवर, किसी भी जानवर को पालतू के फॉर्म में पालना आसान का काम नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो आज की ये समरी थी बहुत ही शॉर्ट और सिंप्लीफाइड मैनर में ब्रीफली आपको लिखवाई गई है, आपको समझाई भी गई है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर समझ में आई होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स आल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।